हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बाजार जैसी लस्सी बनाने की रेसिपी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स, सारे के सारे घर के ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं और आप इसे बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। हमें लगता है कि हम नहीं बना सकते और वो वाला टेस्ट नहीं ला सकते, लेकिन बहुत ईजी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप खट्टा दही, 2 कप मलाई वाला मीठा दही, आधा कप मलाई। मलाई जो है ये हमने टेक्सचर को मेंटेन करके रखने के लिए और हमारी जो लस्सी है उसमें खटास को बैलेंस करने के लिए डाला है। अब इसे हम रई से फेटेंगे, हमें यहाँ पे मिक्सी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप बाज़ार में भी देखेंगे तो जो हलवाई होते हैं वो लोग अपने मटके के अंदर रई से ही उसको फेटते हैं, मिक्सी का यूज़ नहीं करते और उसी से ही एक्चुअल टेक्स्चर आता है। तो इसके अंदर ना तो हमें पानी का यूज़ करना है और ना ही शुगर सिरप का यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है शुगर ग्रैन्यूल्स का। ये हो जाएंगी हमारी बेसिक प्लेन लस्सी रेडी। हमें इसके अंदर किसी भी तरह के पानी वाले चीज़ का यूज़ नहीं करना है और अगर आप आइस क्यूब्स ऐड करना चाहते हो तो उसे एंड में ऐड करिएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए पाइनएप्पल क्रश। तो ये जो क्रश है ये मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। आप किसी भी तरीके के क्रश को बना सकते हैं बस ये एक रेसिपी को देखकर। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके अंदर और कौन कौन से फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं रूह अफ़ज़ा, तो आप इसके अंदर 10 ml रूह अफ़ज़ा ऐड करिए तो आपका रूह अफ़ज़ा लस्सी बन जाएगी। अगर आप किसी अदर फ्रूट से रिलेटेड अगर आप लस्सी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप ऐड करिए मैंगो या स्ट्रॉबेरी, जो आपको ऐड करना है वो करिए। आप ड्राई फ्रूट की भी लस्सी बना सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर लीजिए और उसे इसमें मिक्स कर दीजिए और वो आपकी ड्राई फ्रूट लस्सी रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है अभी 12 चम्मच शुगर ऐड करी है मैंने और इसे भी मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। जैसे मैंने आपसे कहा है कि जो हमें शुगर सिरप का यूज़ नहीं करना है, लेकिन मैंने इसके अंदर पाइनएप्पल क्रश का यूज़ किया है, वो ऑलरेडी स्वीट है, इस वजह से मैंने इसके अंदर 10 से 12 चम्मच शुगर डाली है। तो यहाँ पर मेरी लस्सी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसका एक बार और टेक्सचर देख लीजिए, ये काफ़ी स्मूथ है, ये देखिए काफ़ी स्मूथ है ये। अब मैं इसे साइड में कर देती हूँ और अब हम लोग करते हैं डेकोरेट करने का काम। तो यहाँ पे मैं अपना ग्लास रख रही हूँ और इसके अंदर मैंने ये लस्सी पोर कर दी है। आप देख सकते हैं ये कितनी स्मूथ है। अब इसके ऊपर मैं पाइनएप्पल का क्रश ऐड करूँगी एकदम थोड़ा सा और साथ में चॉप्ड पाइनएप्पल डालूँगी इसे गार्निश करने के लिए। और यहाँ पर हमारी पाइनएप्पल लस्सी बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से आप अलग अलग फ्लेवर के लस्सीज बना सकते हैं। ये मैंने आपको बेस के साथ में सिर्फ पाइनएप्पल क्रश की रेसिपी बताई है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये लस्सी आपको खाने में कैसी लगी है।